फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली बिकॉज यार मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि रोहित भाई जब हम सेकंड हैंड फोन आईफोन खरीदते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा वो ओरिजिनल है या फेक है। बिकॉज इवन मैं भी कुछ टाइम पहले मुझे भी डाउट होता जब मेरे को आईफोन के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी। बिकॉज यार जब नए नए होते हैं तो बिल्कुल हम लुट जाते हैं, हमें नहीं पता, बस हमें लगता है पीछे एप्पल बना तो इट्स रियल। मगर ऐसा कुछ नहीं है यार, धोखे देने वाले तो धोखा दे जाता है और वो फोन बिक जाता है और हम लुट जाते हैं। तो यहाँ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए iPhone 6s और ये एक सेकंड हैंड फोन है जो एक्सपायर हो चुका है वारंटी में। मगर अब हमें कैसे पता चलेगा एक रियल फोन है यार, एप्पल के लोगों वो से कुछ नहीं होता ये सब ठीक है, मगर हमें कैसे पता चलेगा भैया ये एक रियल फोन है, ये क्या है, मतलब इसकी पूरी जानकारी में पता चलना चाहिए ना कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि रियल है या फेक है। तो यार मैंने जस्ट एक मिनट की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे पता चल जाएगा और आप कभी भी आईफोन लोगे वो भी बिना डाउट फ्री की यार ये ओरिजिनल ही आपको पता चल जाएगा एक मिनट में। चलिए मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। सो फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको ये फ़ोन दिखाता हूँ, देख लीजिए वही फ़ोन है जो मेरे अभी हाथ में, तो मैंने कोई चेंज नहीं किया ओके। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा फ़ोन ओरिजिनल है फेक है। तो पहले तो ये हम मोबाइल्स की सेटिंग में आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये सेटिंग्स में मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको नीचे चली जाइए और यहाँ पर आपको एक जनरल दिखेगा, ये देख लीजिए जनरल में जाकर आपको यहाँ क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आपको ऊपर एक अबाउट दिखेगा, तो यहाँ आपको अबाउट में क्लिक करना है। तो ये मैं क्लिक कर दिया, तो यहाँ जहाँ पर आपको मॉडल नंबर दिख रहा है मॉडल नंबर के नीचे आपको सीरियल नंबर दिख रहा होगा तो इसे कॉपी कर लीजिए आप। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं, तो यहां मैंने इसे कॉपी कर ली। अब यहां से आप सीधा बाहर आ जाइए, तो यहां बाहर आने के बाद अब आपको ब्राउजर ऑन करना है, ब्राउजर में आना है ठीक है। तो अब जो मैं ब्राउजर ज्यादातर यूज करता हूं, मैं यूजी का यूज करता हूं, तो अब मैं इसे खोल लेता हूं ठीक है। अब मैं यहाँ ब्राउज़र में आ गया हूँ और जो मेरे को वेबसाइट है जो मैं आपको नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है वो मैं आपको नीचे यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख लीजिए ये है checkcoverage.apple.com, तो ये मैंने नीचे लिंक दे दिया, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा ये आपका फ़ोन ओरिजिनल है या फेक है। चलिए मैं यहाँ ऑन कर लेता हूँ इसे पहले, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेक योर सर्विस एंड सपोर्ट, यहाँ पे एंटर योर EMI नंबर और नीचे यहाँ पे एंटर द कोड। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पेस्ट कर देते जो हमने वहाँ पर भी उनको सीरियल नंबर हमने यहाँ कॉपी किया था, तो चलिए अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो नीचे दे रखा है प्लीज़ एंटर द कोड से मैं फिल कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स इस वक्त मैंने फिलअप कर दिया है, आप देख लीजिए मैंने ऊपर ये सब कुछ फिलअप हो चुका है मेरा, ऊपर सीरियल नंबर एंटर द कोड। तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब जस्ट कंटिन्यू पे प्रेस करना और आपको पता चल जाएगा फ़ोन ओरिजिनल है या ये फ़ोन फेक है। लेट्स स्टार्ट। ओके तो देख लीजिए अब मेरे सामने ये आ चुका है योर सर्विस पोर्ट iPhone 6s सीरियल नंबर, जो मोबाइल के पीछे जो मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल के पीछे भी यही लिखा होगा सीरियल नंबर। और यहाँ पर देख लीजिए ये मेरे को बता रहा है, देख लीजिए iPhone 6s सीरियल नंबर ये है इसका और वैलिड परचेज डेट देख लीजिए, बिल्कुल मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ बिल्कुल ही। तो ये इसकी देख लीजिए बिल्कुल हमें पता चला, अगर ये फ़ोन फेक होता तो यहाँ इनवैलिड लिख के आ जाता, कुछ ना बताता, इट मीन्स ये फ़ोन इनवैलिड है। मगर ये फ़ोन देख लीजिए आपके सामने सब कुछ डाटा आ गया, इसका iPhone 6s है ये ठीक है और वैलिड परचेज डेट सब कुछ लिख के आ रहा है आपके सामने, तो ये फ़ोन बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ये अब मैंने आपको बताना था, यही तरीका बहुत आसान है, आप इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा फ़ोन रियल है या फेक है।